हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है ना, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरा महाभारत का एक ट्रैक है, जगत में समय महाबलवान, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी वर्जन्स हम लोगों ने महाभारत में यूज़ किए थे, वो सारे वर्जन्स का एक कंपाइल्ड ट्रैक बना के मेरे YouTube चैनल पर जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। सो दैट आप लोग एक स्ट्रेच में सारे सॉन्ग्स, सारे वर्जन सुन पाए। तो स्टे ट्यून्ड। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी प्लान कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा ये म्यूज़िकल जर्नी में। मेरे व्लॉग्स आप देखते रहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सारे ही लिरिक्स, द कॉम्पोजिशन, द सॉन्ग अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं मुझे खुद। क्योंकि जब मैंने एक एक चीज़ लिरिक्स लिखे थे हम लोगों ने, नंदलाल पाठक जी हैं, उनके यहाँ पर मैं जाता था और सिचुएशन बता के हम लोग जब लिरिक्स लिखते थे, तो इट वाज लाइक ऐसा लगता था ना कि ओ बाप रे, क्या बात निकल के आ रही है। सो वो सारे वर्जन्स बहुत बहुत टचिंग है। लिरिक्स बहुत ही आला दर्जे के हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दिल को छू जाने वाला सॉन्ग है बिल्कुल। और अभी जिस प्रकार का समय चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स है, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एक माहौल बना हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाए, समय बिल्कुल सही हो जाए, सबके लिए सही हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, अपने दिल से कर रहा हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग आपके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, मोहे जाने दे जो कल मैंने रिलीज़ किया था, यदि आप लोगों ने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चेक कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ एंड देन विल कंटिन्यू विद द ब्लॉग। हो मंगल भवन अमंगल हार। अभी जो है मैं ऑफिस में हूँ, एक सॉन्ग का सबटाइटलिंग कर रहा हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सच बताऊँ तो। और हाँ, मैंने अभी व्लॉग अपलोड किया था, वो व्लॉग यदि आप लोगों ने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए और सॉन्ग सजेस्ट कीजिए। तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके सॉन्ग के साथ मिलूंगा। झूठ मुठ रुठ के मुख को बना ले लाल पीला, प्यारी बड़ी है अद्भुत लौकिक राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। बने रहिएगा। सो गाइज, अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ और घर जाने के बाद में मैं व्लॉग एडिट करूँगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा कल। और चूँकि अभी मुझे मेरे लास्ट व्लॉग पे किसी ने कोई सॉन्ग सजेस्ट नहीं किया है, तो मैं कोई ना कोई नया सॉन्ग ज़रूर आप लोगों के लिए गाऊँगा। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जय बजरंग बली। और बाहर का नज़ारा देख लेते हैं, बाहर बारिश आ रही है भयंकर। Wow. चले आनंद भाई, कैसे हो आप? ठीक है, बाय कर दो, आप बाय कर दो। थैंक यू आनंद भाई। रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। रिकॉर्डिंग, चलो बाय। हाँ बाय, थैंक यू, बाय। सो अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, सॉरी गाइज। यार आज तो दिल टूट गया यार। आज सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली जो न्यूज़ मिली है वो सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने की है। एंड आई एम श्योर इतना इतना दिल टूट गया है ना। और जिसने भी ये न्यूज़ सुनी है उसकी शायद यही फीलिंग रही होगी। पूरा दिल जो है चूर चूर हो गया है, मतलब इतना बुरा लग रहा है। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शायद मैं आज ऑफिस में रुकूँ ही ना, घर चले जाऊँ, इतना मैं दुखी हो गया था।
कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब किसी के भी उठो और ऐसी न्यूज़ मिल जाए सिद्धार्थ शुक्ला चला गया। माय गॉड, आई वाज लाइक शॉक्ड यार, कम्प्लीटली शॉक्ड। मतलब इतने टेरिफिक एक्टर, इतनी टेरिफिक पर्सनालिटी, और आज ये खबर मिलने के बाद में मेरा दिल इतना टूट गया है ना कि यार ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार की क्या हालत हो रही होगी जब हम जैसे फैंस की ये हालत है। मैं ईश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को अथाह संबल दे कि वो इस दुख को सहन कर पाए, इस सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने को वो स्वीकार कर पाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी इस दुख से उभरने की शक्ति दे, सारे फैंस को इस दुख से उभरने की शक्ति दे, और सिद्धार्थ शुक्ला की जो देह है उसे शांति प्रदान करें। ओम शांति। उनको याद करते हुए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता